But it is kind of interesting. अब हम देखने वाले हैं इस चैप्टर की समरी अलोंग विथ क्वेश्चन आंसर्स. So let's begin. Tippi the flying squirrel is a narrative story written by Charles H. Donald. तो हमने यहाँ पे बता दिया सबसे पहले कि Tippi क्या है. It's a narrative story जहाँ आप नारेट कर रहे हो. And who has written this? Charles H. Donald. It is an extract from Companions Feathered, Furred and Skilled. So ये जो ये जो एक्चुअल स्टोरी है ये जो एक्चुअल बुक है कंपेनियंस पेदर्ड फोर्ड एंड स्केल इससे एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया गया है जिसका नाम है टिपिटी टिपटी द ऑथर हिरेट्स यहाँ पे इस पूरे नरेशन में ऑथर ने क्या बताया है अबाउट लवली पेट जिसका नाम है टिपिटी वो क्या है एक लार्ज रेड फ्लाइंग स्क्वि है इट वॉज टू होम वेन इट वॉज ऑथर को कब मिली थी वो जब वो ओनली फ्यू डेज ओल्ड थी इट ग्रीव अप इन टू अंडेडमिन विदरफुल चेस्ट नट फर कोट एंड अ लॉन्ग बुशी टेल नाउ वेन इट ग्रीव अप

अब उसका एक छोटा सा बॉक्स था जिसमें वो रहती थी विच हैड पार्टिशन उसका एक डाइनिंग रूम था और उसका एक क्या था बेड uh, रूम था बींग वो एक नॉकटर्नल एनिमल थी तो इससे क्या होता था शी यूज टू स्टे अप ड्यूरिंग द नाइट अनलेस अगर उसको अच्छे से फीड कराया जाता था तो शी टू स्लीप वेल टिल अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग शी वॉज फ्रेंड्स विद टू डॉग्स एंड एंजॉय जम्पिंग प्लेसेस उसके जो दो डॉग्स थे डॉन एंड ब्रॉक, जो ऑथर के दो और डॉग्स थे उनके साथ शी वाज रियली गुड फ्रेंड्स एंड शी यूज्ड टू लव जंपिंग अ शी वाज वेरी स्पेसिफिक अबाउट हर टॉयलेट उसका जो टॉयलेट होता था उसके लिए वो बहुत स्पेसिफिक होती थी शी हेल्प द ऑथर टू सॉल्व अ मिस्ट्री अबाउट अ नॉक्टर्नल हिस्ट्री नेचुरल हिस्ट्री टॉपिक दैट रेज्ड कंट्रोवर्सी in fact with the help of tipiti author was able to understand and solve a mystery about a topic in natural history jiski wajah se kafi disagreements ho chuke the kafi angry the author talks about how she used to eat drink and spend her time now in the entire chapter you will see that how she used to nibble the leaf or how she used to jump or she used to spend her time at the end दी ऑथर नरेटेड द अनफॉर्चुनेट ट्रेजिक इंसिडेंट वेर अ फॉक्स किल्ड हर और इस स्टोरी के लास्ट में ऑथर ने नरेट किया कि किस तरीके से एक बहुत ही ट्रेजिक एंड के साथ टिपटी की डेथ हो जाती है हाउ बिकॉज अ फॉक्स हैड किल्ड हो इट इज अ स्टोरी दैट रिमाइंड यू अबाउट योर पेट एक स्टोरी है जिससे आपको अपने पेट की याद आती है द बॉन्ड यू शेयर एंड द अनकंडीशनल लव द बॉन्ड दैट यू शेयर विद योर पेट एंड द अनकंडीशनल लव दैट इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर टिप्टी द फ्लाइंग स्क्विरल नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स व्हिच आर बिहाइंड द चैप्टर so the first question is read to understand answer the questions with reference to the context matlab kuch lines the way on the basis of this certain questions will be asked and you have to answer them on the basis of your understanding about the chapter tippity was the means of my solving a problem in natural history regarding which a controversy raged for many months अब ये जब हमने पढ़ा था एक्सप्लेनेशन में तो अब हमने बहुत अच्छे से समझा था इसका मतलब क्या था कि टिपिटी ने को सॉल्व करने में टिपिटी ने डॉक्टर की सॉरी नेचुरलिस्ट जो थे हमारे ऑथर उनकी हेल्प की थी नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज वॉट वॉज मिस्ट्री द हिमालयन नट क्रैकर जो कि एक वर्ड है द हिमालयन नट क्रैकर

ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर अब हम देखते हैं second. How did the author solve the mystery? Author ने इस mystery को solve कैसे किया? ट्री the the इसके लिए उन्होंने क्या किया था सो इफ आई टेल यू उन्होंने कुछ walnuts लिए उसको एक ट्री के नीचे डाल दिया जहां पे ये जो birds थी ये आती थी they came, but they did not do anything. उन्होंने टर्न किया बट दे लेटर टिपिटी ने जो ऑलरेडी कुछ वॉलन में होल किया हुआ था उन वॉलट्स को जब उन्होंने वहां पे जाके ट्री के नीचे डाल दिया जहां पे हिमालयन नट क्रैकर्स आते थे देन विद द हेल्प ऑफ दोज होल्स उन्होंने उसमें अपनी बीक इंसर्ट करके उसका जो कर्नल है वो निकाल लिया इससे क्या पता चलता है दैट हिमालयन नट क्रैकर्स आर नॉट टू बी ब्लेम फॉर दिस एंटायर थिंग

टिपिटी ने ऑलरेडी होल्स बना दिए थे और उनको जाके ही पुट दम अंडर मेड होल्स और बर्ड्स ने सिर्फ उन खाने की कोशिश करी जिसमें ऑलरेडी टिपिटी ने होल्स बना दिए थे तो ये जो था दिस इज हाउ ही सोल्व द मिस्ट्री अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन Why did the author want to solve the mystery? अब लेखक क्यों चाहता था इस पूरी मिस्ट्री को सोल्व करना? The writer wanted to solve the mystery because there was a controversy raised regarding this problem in natural history for many months. क्योंकि बहुत महीनों से natural history के department में इस particular problem को लेके बहुत ज़्यादा debate हो रहा था, disagreements हो रहे थे, एक controversy जो थी वो छिड़ गई थी। He was a naturalist and wanted to solve the mystery. अब वो जो थे वो कौन थे वो एक naturalist थे इसलिए उनको ये पूरी mystery को solve करना था. So this is a third answer. I hope you understood the answer well. Next question है हमारे पास. Describe Tipti in your own words. अब अपने words में Tipti को हमें describe करना है. Was she? She was फल कौन से कलर का था चेस्टनट कल का फल था उसका एंड अ लॉन्ग बुशी टेल और कैसी थी उसकी एक लॉन्ग दो फीट की बुशी टेल थी तो हमने थ्री पॉइंट बता दिए अब क्या है इट वॉजल क्या थी वो एक nocturnal creature थी. इसका मतलब जो लोग रात में जागते हैं शी was playful and एंड अब वो कैसी थी उसका नेचर कैसा था Playful and naughty. तो nocturnal creature आपका फोर्थ पॉइंट हो गया Playful and naughty हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया शी author and एंड टू डॉग्स अब इसमें हमने और क्या बताया कि उसको ऑथर के साथ और उनके दोनों जो डॉग्स थे उनके साथ खेलने में बहुत मजा आता था ये हो गया हमारा पॉइंट ना सपोज यू गेट द सेम क्वेश्चन फॉर मोर मार्क्स यू कैन टॉक अबाउट द वॉक्स यू कैन टॉक अबाउट हाउ डिड शी डाई यू कैन टॉक अबाउट उसको मतलब शी वॉज नॉट वेरी फसी यू कैन टॉक अबाउट हर टॉयलेट जिसके लिए वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक थी सो देर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट्स दैट यू कैन पॉइंट बट दीज सिक्स पॉइंट्स शुड बी देयर इन योर आंसर

एक्टिव be कब, मतलब कब होती थी जब नॉर्मल लोग जो ऑर्डनरी लोग होते थे वो अपने सोने चले जाते थे एंड दैट वुड समाइम्स डिस्टर्ब पीपल इन देर स्लीप और उसकी वजह से क्या होता था लोग सोते टाइम परेशान हो जाते थे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है

को हमेशा जल्दी रहती थी एंड और उसकी वजह से क्या होता था? The saucer. The saucer होता था था मोस्ट ऑफ हर फेस फेस वेंट थे जो जो जिसमें उसे मिल्क देते मैक्सिमम पूरा उसका वो उसमें में डाल देती थी. So जितना डालना थी, उससे ज्यादा डाल देती थी थीन अमाउंट ऑफ लिक्विडर मतलब उसका रिजल्ट क्या होता था दैट सम अमाउंट ऑफ मिल्क यूज्ड टू गो इन अप इन हर नोज उसके नाक के अंदर चला जाता था एंड शी वुड स्नीज एंड स्प्लटर सो दैट इज आर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एक्सप्लेन द फ्रेज वुड यू हैव डन वुड हैव डन क्रेडिट टू एन एनिमल टेन टाइम्स हर साइज नाउ इफ यू रिमेंबर द टेक्स्ट अगर जो हमने पूरी स्टोरी पढ़ी थी उसमें लिखा था कि जो टिपिटी थी वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आवाजें निकालती थी और उसका जो ग्राउल होता था मतलब जो रंबलिंग वॉइस होती थी वो इतनी स्ट्रांग होती थी कि उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा जो एनिमल है वो भी उतना उस तरीके की आवाज नहीं निकाल पाता था सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज इसका देखो क्या लिखा है हमने हर ग्रोल वाज सो अलार्मिंग

अब राइटर को क्यों अच्छा लगता था टिपिटी को एक अच्छा डिनर देना नॉट बिकॉज यू नो उसको मन करता था रोज़ टिपिटी को एकदम बहुत ही टेस्टी खाना देने का इट वॉज बिकॉज अगर टिपिटी को अच्छा टेस्टी खाना मिलेगा सो शी विल ओवर ईट एंड द मोमेंट इट ओवर ईट्स मतलब वो ओवर ईट कर लेती थी देन शी वुड स्लीप टिल द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग तो राइटर जो था हमारा उनकी स्लीप जो होती थी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस बहुत अच्छी हो जाती थी इस आंसर को हमने कैसे फ्रेम किया है? है? ये हो गया अपना क्वेश्चन, ठीक मतलब आदतानुसार आदतन, आदतन जो बोलते हैं habitually, मतलब आदत के अकॉर्डिंग वो क्या करती थी ओवर ईट कर लेती थी एंड दैट मेंट Sleeping solidly till the early hours of the morning. Or, that she would sleep solidly till the early hours of the morning. This way, writer would also get a good night's sleep. Or, is this way, writer got a good sleep. So, that's our answer for the fifth question. Now, give two examples from the passage to show that Tippity was not very choosy when it comes to eating. सो so, हमें दो ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं पूरी स्टोरी में से दो ऐसी लाइंस बतानी है जहां ये पता चले कि टिपिटी जो थी वो बहुत ज्यादा फसी नहीं थी चूजी नहीं थी इट केम टू शी वुड ईट सो ये आंसर क्या होगा शी वुड मेक हर वे टू द एक्सट्रीम एंड ऑफ अ ब्रांच एंड निबल ऑफ द यंग लीव्स तो ये जो लाइन है इससे क्या पता चलता है कि वो ऐसा कोई पर्टिकुलर ब्रांच नहीं था वो कहीं पर भी जाके शी वुड ईट शी वॉज क्वाइट हैप्पी ऑन एनी ट्री

How do we know that Tipiti wasn't too keen to accompany the writer on his afternoon afternoon strolls? You remember उसको जो है कैसे निकालना पड़ता था so ruthlessly pull करना पड़ता था उसको एकदम without any showing any mercy, उसको ruthlessly pull करना पड़ता था तब कहीं वो जाती थी So इसी answer को हम देखते हैं। हमने कैसे लिखा है यहाँ पे टिपिटी द राइटर एंड रूथलेसली पुल्डी जो थी वो ऑथर तब जाती थी जब उसको रूथलेसली उसके बॉक्स में से निकाला जाता था दिस लाइन शोज दैट टिपिटी वॉजन टू की राइटर ऑन दिसन स्ट्रोल इसी से पता चलता है कि उसका बहुत मन नहीं करता था तो ये लाइन आपको याद करनी पड़ेगी टिपीटी अकम्पनीड द राइटर एंड द डॉग्स ऑन एन आफ्टरनून स्टोल वो जो थी वो डॉग्स के और राइटर के साथ आफ्टरनून स्टोल में उनको अकम्पनी करती थी कब आफ्टर बीइंग रूथलेसली पुल्ड आउट ऑफ हर बॉक्स तब जाती थी मतलब उसको एकदम चलो 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 धक्के मार के घर से बाहर निकालना पड़ता था तब कहीं वो जाके जाती थी वाई वुड टिपटी गेट टाइड अप बिफोर मील्स हाउ डिड दिस प्रैक्टिस अल्टीमेटली लीड टू हर डेथ उसको जो था मील्स के पहले उसको बांधना क्यों पड़ता था और किस तरीके से उसकी डेथ हुई सो टिपटी गोट टाइड अप बिफोर मील्स बिकॉज समटाइम्स वाइल जम्पिंग हेयर एंड देयर हर टेल में पास टू दूप एंड स्पॉइल द टेस्ट

चेन का जो एंड था वो किसी तरीके से खुल गया अनफासन का मतलब है खुल जाना फर्म द लेग ऑफ द चेयर जो चेयर का लेग था जहां से उसकी चेन बांधी थी वो खुल गया शी हॉपड अबाउट ऑन द बोर्ड्स ऑफ द वरांडा तो वो भाग के कहां चली गई वरांडा के पास और वरांडा में जाके वो जंप करने लग गई देयर वाज अ फॉक्स नियर बाय और आसपास में ही एक फॉक्स था हु हैड किल्ड पुअर टिपिटी जिसने उसके ऊपर जंप किया और उसको किल कर दिया तो so, अब यहां से हमें क्या पता चलता है उसको जो बांध देते थे ठीक है? उसको देते थे अपने आप को छुड़ाने के लिए। One day she did it, हुआ। पे तो ये हो गया हमारा आंसर और ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लीज मार्केट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये क्वेश्चन पक्का 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 आ सकता है नाउ नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड सर्टन थिंग्स जो हमें पैसेज से ही पता चल जाएगी फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज अबाउट पहली चीज कलर क्या था चेस्टनट रेड वॉज द कलर ऑफ टिपिटीज फॉर वेरी इजी क्वेश्चन है उसकी लेंथ कितनी थी टेल की टू फीट लॉन्ग एनी फाइव थिंग्स दैट मेड टिपिटीज डाइट कौन कौन सी फाइव चीजें आपको बतानी है जो टिपिटी खाती थी वेरी सिंपल पुडिंग्स Fruit, walnut, milk, custard, इसके अलावा ठीक है? है. तो तो ये सारी चीजें खाती थी. वो जो दो थे, एक तो एक एक क्या था? एक था field spaniel, एक क्या था? था था स्पैनियल और दूसरा क्या था लार्ज शैगी टिपिटन शीप डॉग दूसरे की ब्रीड क्या थी जो ब्रूक था वो क्या सॉरी ब्रॉक था जो ब्लॉग था वो क्या था लार्ज शैगी टिबेटन शीप डॉग ओके अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब टिपीटीज लिटिल हाउस अब टिपीटी का जो छोटा सा हाउस था वो कैसा था इट वाज अ बॉक्स जिसमें दो पार्टीशन थे और एक उसका डाइनिंग रूम था और सिटिंग रूम भी कह सकते हैं वेयर शी डाइन्ड और दूसरा उसका बेडरूम था एंड इट हैड अ डॉल व्हिच वाज लाइक जो दोनों में डॉल्स थे जो सिटी डोर था, था वो यूजुअली ओपन रहता था और जो बेडरूम वाला जो डोर था दैट वाज आल्सो देयर तो अब हम इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं शी लिव्ड इन अ लिटिल बॉक्स टू द इनर वन हर बेडरूम जो अंदर वाला था वो उसका बेडरूम था विच वॉज फिटेड अब बेडरूम में क्या था यू रिमेम्बर देर वॉज एक नेस्ट बनाया हुआ था विद द हेल्प ऑफ फेदर्स एंड कॉटन बॉल्स तो उसके हेल्प से एक पूरा नेस्ट बनाया हुआ था वो हम लिखेंगे विच वॉज फिटेड लिटिल नेस्ट ऑफ फेदर्स एंड कॉटन वूल एंड अ टाइनी डोर लेड इट इन टू द बिगे सिटिंग रूम वेयर शी ऑल्सो डाइंड तो ये हो गया हमारा आंसर क्या लिखा है हमने एक बॉक्स था जिसमें दो पार्टीशन थे अंदर वाला उसका बेडरूम था जिसमें एक छोटा सा नेस्ट था विच वॉज मेड अप ऑफ फेदर्स एंड कॉटन वूल और उसमें एक दरवाजा था विच यूज टू लीड हर टू दिटिंग रूम जो बड़ा रूम था जहां पे वो अपना खाना भी खाती थी वेयर शी ऑल्सो डाइंड मतलब वो अपना खाना भी खाती थी वट वॉज हर टॉयलेट रूटीन अब उसका जो टॉयलेट रूटीन था जो इतना स्पेसिफिकली इस बुक में बताया गया है वो क्या था टिपटी वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हर टॉयलेट रूटीन पहले तो बता दिया कि भैया वो बॉडी पर्टिकुलर थी शी वु इरेक्ट सबसे पहले वो सीधे बैठ जाती थी एंड केयरफुली गेट टू वर्क बोथ हर लिटिल हैंड्स एंड विद हर लिटिल हैंड्स शी यूज टू परफॉर्म द एंटायर एक्टिविटी अब उसके बाद जब क्लीनिंग की बात आती है टिप ऑफ सबसे पहले वो को 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 क्लीन 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 करती 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 थी, 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 फिर फिर फेस हेड में टेल, वर्क ओवर द होल ऑफ हेड पूरे फेस को और फिर वो हेड को क्लीन करती थी द टेल वुड बी हर लास्ट लास्ट में किसे क्लीन करती थी टेल को बट बाय नो मीन्स हर लीस्ट केयर सो सिंस वी आर राइटिंग एन आंसर तो आप यहीं पे अपना एंड कर सकते हो आंसर दैट हर टेल वुड बी लास्ट थिंग दैट शी वुड क्लीन व्हिच थ्योरी डिड द राइटर डिसप्रूव विद द हेल्प ऑफ टिपिटी अब राइटर की हेल्प मतलब टिपिटी की हेल्प से राइटर ने कौन सी थ्योरी को गलत बताया था सो so, जो जितने भी नेचुरल हिस्ट्री में जितने लोग थे वहां नेचुरलिस्ट थे उनको लगता था कि जो

अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वेर यू हैव गिवन ऑल वर्ड्स अ सर्जन शेफ शेफनरी डॉक्टर एंड मोर आपको सिर्फ ये बताना है ये लोग होते कौन है सो so, एक सर्जन कौन होता है अ सर्जन इज अ फिजिशियन परफॉर्म सर्जरी एक फिजिशियन होता है एक डॉक्टर होता है जो सर्जरी करता है हु इज अ शेफ अ प्रोफेशनल कुक टिपिकली द चीफ कुक इन अ रेस्टोरेंट और होटल तो शेफ कौन होता है ये एक प्रोफेशनल कुक होता है जो कि स्पेशली किसी रेस्टोरेंट या आ, जो होटल होता है उसमें चीफ कुक होता है वेटरनरी डॉक्टर कौन होता है वेटरनरी डॉक्टर वो होता है अ वेटरनियन या वेटरनरी डॉक्टर इज अ मेडिकल प्रोफेशनल वो एक मेडिकल प्रोफेशनल होता है हु प्रोवाइड्स ट्रीटमेंट्स टू एनिमल्स बेसिकली एनिमल्स के डॉक्टर को हम वेटरनरी डॉक्टर कहते हैं हु इज एन एक्सप्लोरर एंड अ पर्सन हु एक्सप्लोर्स अ न्यू और अनफेमुलर एरिया तो कोई नई जगह पर जाके उसको एक्सप्लोर करना उसके बारे में पता लगाना दैट इज वॉट एन एक्सप्लोर डर्स सो दीज आर योर आंसर्स यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट एंड आई मूव अहेड विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सो हियर वी हैव गॉट सम मोर वर्ड्स कौन कौन से हैं आर्किटेक्ट कौन होता है जो बिल्डिंग्स बनाते हैं स्पेस वन जो वुमेन जो है स्पेस uh, में जाती है आर्कियोलॉजिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट तो ये भी देख लेते हैं

आप ह्यूमंस की हिस्ट्री को जो लोग पढ़ना चाहते हैं कि ह्यूमंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ कैसे स्टार्ट हुआ जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि पहले जो थे अर्ली मैन कैसा होता था उसने फायर से कैसे स्टार्ट किया तो इन सारी चीजों के बारे में पता लगाना विद द हेल्प ऑफ एक्सकवेशन ऑफ साइट्स मतलब चीजों को खोदना वहां पे जाके आप एक, -एक चीज को संभाल के कोशिश करो कि ये क्या हो सकता है फिर उसका एनालिसिस करना तो इससे ये होता है एक का काम बायोलॉजिस्ट कौन होता है एक्सपर्ट इन स्टूडेंट ऑफ द ब्रांच ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो है स्टडी कर रहा है या कोई स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम का जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर स्टडी कर रहा है उसे हम कहते हैं बायोलॉजिस्ट एंड इस तरीके से हमारे चैप्टर का समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया व्हाट इज द चैप्टर टिपीटी द फ्लाइंग स्क्विरल लेकिन अभी इसका ग्रामर पार्ट पूरा बचा हुआ है सो वी आर गोइंग टू डू द ग्रामर पार्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो सो स्टे ट्यून गाइस एंड रिमेंबर डू नॉट फॉरगेट टू विजिट आवर वेबसाइट व्हिच इज MAGNETBRAINS.COM बिकॉज़ हियर यू कैन इजीली फाइंड ऑल द वीडियोस जो भी आपको आप कोर्स में जाओ जस्ट सेलेक्ट द कोर्स विच मीन्स द क्लास सेलेक्ट द सब्जेक्ट एंड द प्ले लिस्ट विल अपेयर राइट इन फ्रंट ऑफ यू तो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा इट विल गेट वेरी इजी फॉर यू एंड दैट इज इट दिस इज हाउ योर वीडियो विल स्टार्ट अपेयरिंग ऑन योर स्क्रीन थैंक यू सो मच आई होप यू वर बेनिफिटेड विद दिस वीडियो स्टे ट्यून विद मी थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय